दिवाली के समय कोई हादसा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन सोलन द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। एक और जहां पटाखे बीच बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है, वहीं बाजारों में हो रहे अतिक्रमण पर भी जिला प्रशासन नजर रखे हुए है, ताकि अगर शहर में कोई आग लगने की कोई घटना घटित होती है तो बिना किसी अड़चन के दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच सके और आग पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा वाटर हाइड्रेंट्स को भी चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए पानी की कोई कमी न रह जाए इसके लिए नगर निगम आवश्यक कदम उठा रहा है। ये जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैक ने मीडिया को दी। नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैक ने बताया कि दिवाली के समय अगर कोई आग की घटना होती है तो उस समय पानी की कोई कमी न रह जाए इसके लिए शहर में दिवाली तक पानी की आपूर्ति 1 घंटे के लिए सीमित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि जो पानी के टैंक खाली पड़े हैं उन्हें भर कर रखा जा सके, क्योंकि देखा गया है कि दिवाली के समय में पटाखों की जगह से आग लगने की घटनाएं बेहद ज्यादा होती हैं। इन घटनाओं पर कम से कम नुकसान हो इसलिए नगर निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी दिवाली के मद्देनजर आपकी बात सही है कि साफ सफाई जरूरी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा प्राथमिकता डिजास्टर मैनेजमेंट की है। तो दिवाली के टाइम क्योंकि आग लगने का खतरा हमेशा रहता है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि सारे के सारे टैंकों में पानी का लेवल हाफ तक मेंटेन किया जाएगा हर समय। तो सभी टैंकों में हाफ तक पानी को लाने के लिए शुरुआत में 1-1 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति का निर्णय लिया गया है सभी जगहों पर नगर में, और जैसे ही हमारे पास हाफ लेवल आ जाएगा हम इस सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कंडीशन यह है कि पानी के टैंकों में आधा लेवल डेफिनेटली मेंटेन रहे। शहर के सभी क्षेत्रों में रोज़ाना 1 घंटा पानी दिया जाएगा, और जब हमारा टैंकों का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा और पीछे से सप्लाई अगर तेज़ी से आएगी तो हम उसको आगे आगे देते रहेंगे और 1 घंटे से आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली दिवाली के लिए प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि पानी कभी भी हादसा हो सकता है और उस टाइम पानी होना ज़रूरी होगा।